थाने जिले के मुंब्रा परिसर से भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ एक गिरफ्तार। थाने जिले के मुंब्रा परिसर में एक ऑटो रिक्शा में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से सनसनी। थाने के मुंब्रा पुलिस को खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस नाकाबंदी दौरान एक ऑटो रिक्शा से 250 जिलेटिन की छड़ों और डेटोनेटर के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल थाने के मुंब्रा पुलिस को थाने के दिवा इलाके में रहने वाला 42 वर्षीय गुलाब सिंह रावत सिंह सोलंकी नामक व्यक्ति बड़ी मात्रा में विस्फोटक ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर मुंब्रा पुलिस ने थाने जिले के कई इलाकों में नाकाबंदी शुरू कर दी। इसी नाकाबंदी दौरान मुंब्रा रेलवे फाटक परिसर में मुंब्रा पुलिस ने आरोपी गुलाब सिंह को 250 जिलेटिन की छड़ों और डेटोनेटर के साथ धर दबोचा। फिलहाल मुंब्रा पुलिस ने बोम स्क्वाड के दस्ते के साथ मिलकर सभी विस्फोटक जिलेटिन की छड़ों और डेटोनेटर को सुरक्षित स्थान पर रखकर पुलिस की गिरफ्त में आए गुलाब सिंह से विस्फोटक के बारे में पूछताछ करने में जुट गई है। जो है वो ये इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई हुई है। इसमें दीवा में जो आगासन रोड है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आने वाले थे, इसके बारे में जब हमको पता चला तो ऐसी चार टीम हमने बनाई थी। बनाने के बाद इसमें जो है इसको वहीं पे कैच किया है दीवा में, ये आगासन रोड पे गणपत सिंह सोलंकी के नाम का ये आरोपी है और ये राजस्थान भिलवरा का रहने वाला है। ये 5-6-7-8 महीने पहले ये दीवा में रहने आए के लिए आया था। पहले उसने ज्वेलर शॉप एक खुली थी, वो बंद हो गई और उसके बाद जो है उसने पोला चलाने का वो भी काम करता है। इसमें जो है एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत हमारे यहाँ मुंब्रा में इसका ऑफेंस रजिस्टर्ड है। ये जो एक्यूज़ है, ये एक्यूज़ भिलवाड़ा से है, उधर से उसने ये सब जो एक्सप्लोजिव लाया था उधर से ही लाया था उसने। और एग्जैक्टली उसका मेन पर्पस जो है वो पर्पस का इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, बट प्राइमा फेसी पहले ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये कहीं क्वारीज में वगैरह जो ब्लास्ट के लिए कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें एक्सप्लोजिव जो यूज़ करते हैं उसके लिए उसने लाया था। और बाकी बट एग्जैक्टली उसके ऊपर कोई उधर यहाँ तो कोई ऑफेंस नहीं है, बट राजस्थान में कोई ऑफेंस है, उसको देने वाला कौन है, उसके कोई ऑफेंस है सब्जेक्टेड है और किस पर्पज़ के लाया था उसका इन्वेस्टिगेशन अब चल रहा है। सर, राजस्थान से लेके आया और वो इतने यहाँ तक थाने तक पहुँच गया तो क्या रास्ते में कोई इंक्वायरी नहीं हुई है और क्या उसका इतने लंबे से लाने के उद्देश्य उसका संदेहास्पद लगता है? देखिए कि मतलब अगर कोई इंक्वायरी या फिर कहीं होती तो पहले ही कार्रवाई हो जाती, इसका मतलब ये है कि बीच में उसने थोड़ा सा वो जो है वो अलग तरीके से उसने यहाँ पे उसको लाया है। और बेसिकली जो है कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई होने के बाद ऑफेंस रजिस्टर अभी जो हुआ है इसमें अलग अलग बातें हैं कि इसका मेन पर्पस तभी पता चलेगा जब वो जो जहाँ से उसने लाया था उसका भी इंफॉर्मेशन होगा और वहाँ पे कुछ ऑफेंसेस रजिस्टर हुए हैं क्या इसके खिलाफ और वो किस नेचर के हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा पता लगेगा। सर, क्या क्या जब्त किया गया और कितनी कीमत होगी? ये 250 जिलेटिन की स्टिक्स है और 250 डिटोनेटर्स है। इसमें मुझे लगता है मार्केट में अप्रोक्सीमेटली प्राइस 15,000 रुपये इसका होगा। और बट ये 250 डिटोनेटर्स एंड जिलेटिन ये वैसे ह्यूज इसमें नंबर्स में। सर, अगर इसका गलत उपयोग किया गया तो क्या इसका हादसा हो सकता है? देखिए, आपको सबको पता है कि गलत ये एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव का कोई भी गलत यूज़ करेगा तो वो हानिकारक ही है। तो इसमें वही है कि बट उसका पर्पज़ जो है वो पर्पज़ क्या थे और उसका आगे इन्वेस्टिगेशन में ही पूरा इसका जो है वो पता चलेगा। इससे पहले भी डाई घर के पास में ही कई बड़ी मात्रा में जिलेटिन वगैरह मिला था, इस तरह की कई घटनाएं वहाँ। वही बेसिकली मैंने वही बताया आपको कि ये जो पिछले बार भी कुछ मिला होगा तो जो मिला है उसका बहुत सारा इसमें पहले ही सामने आ जाता है कि ये क्वारीज जो है जहाँ पे वो डायगर कल्याण उधर कुछ साइड में होंगे तो उसमें वो यूज़ करते हैं ऐसा लगता है प्राइमा फेसी, बट इसका मेन पर्पज़ भी जो है वो भी जो है उसका पता लगाएंगे। पकड़ा गया आरोपी, उसका बैकग्राउंड क्या है? वही मैंने जो बताया आपको कि वो पहले जो है वो भिलवाड़ा का रहने वाला है, वो यहाँ पे दीवार में 7-8 महीने पहले रहने आया था। कुछ ज्वेलर शॉप उसने डाली थी वो भी उसने बंद कर दी, फिर उसने जो है ओला में वो ड्राइवर है ओला पे, तो वो उसका बैकग्राउंड है और वो भिलवाड़ा का रहने वाला है। सर, इतने बड़ी मात्रा में बाहर लेके आना और देश में हाई अलर्ट होने के बावजूद इस तरह से पदार्थ लेके आते हैं, कहीं सुरक्षा में सेम दिख रहे हैं? सुरक्षा में लापरवाही, इसलिए ना जब पकड़ा गया तो अभी लापरवाही कैसे हो सकती है? पकड़ने के बाद लापरवाही तो खत्म हो गई। राजस्थान से महाराष्ट्र तक आता है तो आने के लिए बहुत सारे रास्ते और बहुत सारे रूट्स होंगे, कहाँ से आया था वो अलग बात है, बट पकड़ा है ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर, इसके साथ इसमें और कोई इन्वॉल्व है क्या? नहीं, उसके भाई ने उसको दिया था ऐसा उसका कहना है, बट उसमें और कोई इन्वॉल्व है इसके बारे में हम थोड़ा सा तहकीकात करना हमारा बाकी है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे।